हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी फ्रेंड दिया और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ब्लश ब्लश में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं अनचाहे बालों की। ऐसे भी मैंने पहले दो वीडियो बनाए हैं जिसमें मैंने आपको बताया फिटकरी के साथ कैसे हम अपने अनचाहे बालों से छुटकारा पा सकते हैं। फिर मैंने बताया था मसूर दाल के साथ कैसे हम अपने अनचाहे बालों से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन मेरे एक फ्रेंड हैं जिन्होंने बोला कि उनको फिटकरी सूट नहीं करती है और वो चाहते हैं कि मैं कुछ और बताओ। तो फ्रेंड, मैंने बहुत सोचा और बहुत सोचने के बाद मुझे एक चीज़ याद आई कि जब बच्चा होता है तो हम क्या करते हैं, हम उसको उपटन लगाते हैं। तो उपटन सदियों से चला आ रहा एक ऐसे कहेंगे परंपरा है जिससे कि हम अपने अनचाहे बालों से छुटकारा पा सकते हैं, वो भी परमानेंटली। फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले या जानने से पहले ये उपटन कैसे बनेगा मैं आपको बता दूं, पहली बार में कभी भी किसी चीज़ का कोई असर नहीं होता है। अगर आप उसको करते रहते हो तब जाके आपको लगता है कि हाँ, ये असर कर रहा है। फ्रेंड्स, दूसरी चीज़, ये जो रेमेडी है ये आप रोज़ कर सकते हो, एवरी डे कर सकते हो, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप बहुत सेंसिटिव हो तो एक बारी पैच टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा। और जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे मिलती है आपको इन्फॉर्मेशन एब्सोल्युटली फ्री। तो फ्रेंड्स, साथ में बनी हुई बेल बटन जो है उसको भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन मेरे वीडियो का सबसे पहले। और एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने ये लिखा कि फिटकरी से उनको जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात, आप रेगुलरली कोई भी चीज़ को हर दिन ना करो। जैसे ये वाला आप रोज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप 15 दिन कर रहे हो तो 2-3 दिन छुट्टी मारो, ठीक है ना। सैटरडे संडे क्यों होता है, वीकेंड क्यों मनाया जाता है, ताकि हम बोर ना हो। इसी तरह हमारी स्किन भी बोर ना हो, इसलिए 15 दिन बाद आप अपनी स्किन को छुट्टी दो यार, कुछ मत करो उस पर, उसको रहने दो जैसा वो है, ठीक है। क्रीम ज़रूर लगाना है, डेली रूटीन ज़रूर करना है, लेकिन कोई होम रेमेडी करते हो तो 15 दिन करो, फिर आप थोड़ा सा उसको छुट्टी दो, एक हफ्ते का, 2 दिन का 3 दिन का कुछ तो गैप रखो और फिर से स्टार्ट करो। आप देखो, आपको रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे। तो आइए मैं दिखाती हूँ आपको ये मैंने कैसे बनाया है। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम बनाते हैं उपटन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने उसके लिए लिया है ग्राम फ्लावर, जिसको हम कहते हैं बेसन, और आसानी से हमें मिल जाता है हमारी किचन में। उसके बाद मैंने लिया है हल्दी, टर्मरिक, मस्टर्ड ऑयल, और एक और चीज़ ली है, वो ये क्या है, देखो देखो, ये है क्रीम, दूध के ऊपर जो क्रीम आती है ना वो। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ 1 by 1 इन सारी चीज़ों की क्वालिटी। तो जो हल्दी होती है ना फ्रेंड्स, हल्दी बहुत ही अमेजिंग होती है, क्योंकि इसमें होते हैं एंटी बैक्टीरियल, एंटी सेप्टिक प्रॉपर्टीज़, तो ये आपकी स्किन को ख़राब होने नहीं देती है। फ्रेंड्स, जो टर्मरिक होता है ना, ये आपके फाइन हेयर को डेफिनेटली रिमूव कर सकता है, क्योंकि हम इसे सदियों से यूज़ करते आ रहे हैं, आपने इसके रिजल्ट्स खुद देखे हैं। दूसरी चीज़ जो मैंने ली है वो है ग्राम फ्लावर, बेसन। बेसन क्या करता है, ये स्लोली ग्रेजुअली आपके फेशियल हेयर को रिमूव कर देता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कितना लेना है। आप लीजिए 1 teaspoon हल्दी का और 2 बड़े चम्मच, ये आप देख सकते हो चम्मच का साइज़, जिसको बड़ा बोलोगे या मीडियम बोलोगे, ये मैंने इसमें मिलाया है बेसन को। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ 1 चम्मच फ्रेश क्रीम। फ्रेंड्स, जब आप फ्रेश क्रीम डालोगे ना, तो आपको क्या इसका बेनिफिट है, अगर आप जो इसको जब सर्कुलर मोशन में, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में आप इसको घुमाओगे पेस्ट लगाने के बाद, तो वो इजीली निकल जाएगा, आपको दर्द नहीं करेगा। अब मैं आपको बताती हूँ मस्टर्ड ऑयल इसमें मैंने डाला है, जिसमें होती है एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़, जो कि बहुत ही अमेजिंग होती है आपके बाल रिमूव करने के लिए। फ्रेंड्स, पहले ज़माने में तो मसाज भी इसी से की जाती है। इससे थोड़ा सा बर्निंग सा हल्का सा लगता है, लेकिन कुछ होता नहीं है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है स्किन पे। हल्की जलन सी होती है, लेकिन इतनी नहीं होती है कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी, बेयरेबल होती है। अब हमने इसमें डाला है रोज़ वाटर, रोज़ वाटर भी 1 चम्मच डालना है। इससे क्या होता है ना, सूदिंग इफ़ेक्ट होता है, और रोज़ वाटर के तो क्या कहने। रोज़ वाटर जो होता है ना, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एंटीसेप्टिक होता है। तो फ्रेंड्स, ये ना आपके स्किन को डैमेज नहीं होने देगा, और बहुत ही ईजिली आराम से आपके बाल निकल जाएंगे। इसको मिला के एक थिक पेस्ट आप तैयार कर लीजिए।
फ्रेंड्स आपने देखा है सबसे ज़्यादा मैंने इसमें क्या लिया है, ग्राम फ्लावर। ग्राम फ्लावर क्या करता है, बेसन क्या करता है फ्रेंड्स, ये हेयर को स्लोली फॉल ऑफ कर देता है और ग्रेजुअली आप देखोगे कि आपके बिल्कुल हेयर है ही नहीं उस जगह पे। फ्रेंड्स इसका जो ये पेस्ट है ना, ये इतना अमेजिंग है, इसको आप अपने इवनली स्प्रेड कर लो फेस पे। इसको थोड़ी देर रखोगे ना ये गाढ़ा हो जाएगा, फिर फेस पे नहीं लगेगा। इसको इमीडिएटली लगाना है, लगाने के बाद इसको छोड़ देना है 10 मिनट, और 10 मिनट लगाने के बाद इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में निकाल देना है मसाज करके, और ल्यूक वार्म वाटर से अपना फेस धो लेना है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो? ये बहुत अच्छा है और बहुत आसान है, प्लीज़ करिए, और इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बच्चों पे भी हम यही उपकरण लगाते हैं और आप देखते हो कि लाइफ लॉन्ग उनके बच्चों के बाल नहीं आते हैं, तो आप पे भी ये सूट करेगा। बट आपने बच्चों को कितने दिन तक उपकरण लगाया था ये चीज़ अपने दिमाग में रखिएगा। ये नहीं कि आज लगाया और कल अरे यार मेरे बाल ही नहीं जा रहे, है ना। तो जो भी अफेक्टेड एरिया है आप उस पर लगाओ, इससे रंग भी गोरा होता है, आप पूरे फेस पर भी लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स अभी के लिए तो इतना, फिर मिलूंगी वेरी सून, तो चलती हूँ, बाय।